हाय आई एम दीपक सागर आई एम डायरेक्टिंग द शो हायमरन तोमर आई एम प्लेइंग जूही हाय दिस इज देव आदित्य आई एम प्लेइंग नाह हाय दिस इज नैन्सी रॉय आपकी प्यारी रूही हाय दिस इज अपर्णा घोषाल आई प्ले पूनम गोयल नमस्ते मैं हूँ रेशमा मर्चेंट और इसपे किरदार निभा रही हूँ नहार की दादी का सुमित्र और आप सब, सब देख दे रहे हैं दे टेली रिपोर्टर हेलो एवरीवन आई एम निकिता नेगी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेली रिपोर्टर तो आज आपके फेवरेट शो यानी कि दंगल टीवी के पॉपुलर शो मनसुंदर ने अपने 800 एपिसोड पूरे कर लिए हैं तो आज मेरे साथ जुड़े हैं मनसुंदर की कास्ट यानी कि नेन्सी रॉय देव आदित्य एंड हमारे मनसुंदर में सबसे पहले सीजन वन से जुड़ी हुई एक्ट्रेस तो चलिए उनसे यस स्टार ऑफ द शो yes, तो चलिए उनसे बात करते हैं तो अब सबसे पहले तो कैसा लग रहा है एट हंड्रेड एपिसोड पूरे कर लिए हैं मन सुंदर ने हेलो हाँ मैं पूनम गोयल का किरदार प्ले कर रही हूँ अपर्णा घोषाल आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमारे पॉपुलर शो मन सुंदर को इतना पॉपुलर बनाया इतना सारा प्यार दिया कि आज हम 800 एपिसोड पर खड़े हुए हैं दिस इज़ रियली अ बिग अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस थैंक यू सो मच सबसे पहले तो और सबसे पहले तो आप स्टार्टिंग से शो के साथ जुड़े हुए हो एट एपिसोड का लाइक वन ऑफ द पाइविटल रोल आपने प्ले करा है तो कैसी फीलिंग है स्टार्टिंग से लेके अभी तक लाइक like शो इतना अच्छा कर रहा है क्या बहुत ही खूबसूरत सी फीलिंग है क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे कि एक बचपन से लेकर एक चीज़ को शुरू करा जाता है यानी कि पहले माँ फिर दादी माँ और इतने सारे किरदारों के साथ जुड़ते हुए और इतना एक सफ़र को पूरा करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है लग रहा है एक जैसे लाइफ अपनी सेल थ्रू करती है वैसे ही शो के ज़रिए मैं अपनी ज़िंदगी को जी रही हूँ ऐसा लग रहा है है आप लोगों की क्या फीलिंग कितनी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं लाइक फर्स्ट डे इस शो में जब हम आए थे और हमने ऐसे आ, शायद कुछ एंड से शुरू किया था so, so नाउ yes. yeah. तो और... कैसे बीत गए बिल्कुल भी पता नहीं चला तो इन सब पूरी जर्नी में बहुत सारे अप्स एंड डाउंस भी आए होंगे तो अगर आपके सीन्स की बात करें आपका बेस्ट सीन या कौन सा सीक्वेंस था जो आप बोलते हो मेरा बेस्ट था लाइक like, बेस्ट डे बेस्ट सीन था मेरे लिए रूही के साथ मेरा एक सीन था वहाँ हैप्पी न्यू ईयर में जब पहली बार मैं उसे इजहार तो नहीं बोलूँगा बट हाँ जो कन्वर्सेशन हुई थी वो मेरा फेवरेट सीन था कन्फ्रटेशन जो हुई थी बेस्ट सीन लाइक हम तो अपना हर सीन में बेस्ट करने की कोशिश करते हैं ऐसा कोई स्पेसिफिक सीन बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं जो ब्यूटीफुल मेमोरीज जूही के साथ काफ़ी सीन्स हैं जो मेरे लिए बहुत फेवरेट uh, मेरे सीन्स रहे हैं बहुत इंटेंस सीन्स रहे हैं और हाँ जैसे कि इसने बोला कि वो बाहर वाला एक सीन था जो हमारा बहुत ही रोमांटिक सीन था इमोशनल सीन था वो सीन भी बहुत अच्छा था लाइक वन ऑफ द बेस्ट सीन्स में काउंट कर सकते हैं आपका बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं इनफैक्ट मतलब मुझे तो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है कि जब ये शो में एक कैरेक्टर को आप जी रहे हो तो एक तरीके का फ्लेवर दे रहे होते हो और फट से स्विच कर जाते हो तो पूनम गोहिल कैरेक्टर ही ऐसे ही नरेट किया है कि वो कहीं पे भी कहीं पे भी कैसे भी स्विच मार सकती है तो वो जो स्विचिंग ऑफ द कैरेक्टर है वो जो प्ले करने को मिल रहा है इस शो के जरिए इनफैक्ट जो मेकर्स हैं उन्होंने इतना सोचा तो दैट इज़ अ रियली बिग थिंग फॉर मी टू प्ले पूनम गोयल इन मनसुंदर बहुत सारी ऐसी ब्यूटीफुल मेमोरीज हैं इन बच्चों के साथ और इनके पेरेंट्स के साथ जब मैं कर रही थी उसमें निहार की डेथ मतलब दे मेनी 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 मेमोरीज हमारे डायरेक्टर्स जो हमें बोलते रहते हैं ऐसे करो वैसे करो और मतलब उसमें कई बार आप इमोशंस में इतने खो जाते हो कि निकलना मुश्किल होता है दोज थिंग्स बहुत सेंसिटिव सीन्स या बहुत लाफ इट लाउड मतलब इट हैज सो मेनी फ्लेवर्स बहुत और अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करने को मिलता है लाइक like, अभी तक जब से मैं रूही बनी हूँ मैंने कितने सारे कैरेक्टर्स कर लिए हैं एज़ अ डॉक्टर अभी जो मैं कर रही हूँ नौकरानी का कैरेक्टर फिर उसके बाद बाबा एंड पता नहीं और आगे कितनी सारी एक्साइटिंग चीज़ें आएँगी <laughs> अगर बात करें इमोशनल सीन्स की कितना ज़्यादा मुश्किल होता है जब आप इमोशनली सबने बताया डेथ सीन के लिए आपकी आंखों में भी दिख रहा है कि आर सो इमोशनल राइट नाउ तो आप लोगों के ऐसा कौन सा सीन रहा है जो बहुत ही आपके लिए हार्ट ब्रेकिंग रहा हो करने में लाइक आपको लगा हो दिल से कि बहुत बुरा लग रहा है अब मेरे केस में उल्टा है आई एम गुड विद इंटेंस सीन्स एक्चुअली रोमांटिक इंटेंस में मैं ज़्यादा अच्छा करता हूँ में मैं थोड़ा ऐसे मेरे को करना पड़ता है अब तक का इमोशनल सीन आई गेस सबसे बड़ा रूही के लिए वो रहा है जब उसको अग्नि और नहार के बारे में पता चला था तो वो बहुत इमोशनल था रूही के इट वाज लाइक अ हार्ट ब्रेक जो वो लाइक उसके लिए बहुत बड़ी बात है कि लाइक इतना बड़ा सच छुपा रहा उससे तो अब तक का इमोशनल सीन मेरे लिए तो वही था ऑन स्क्रीन तो हमने बात कर ली है अब जरा ऑफ स्क्रीन की बात करें तो ऑफ स्क्रीन कैसी बॉन्डिंग शेयर करते हैं आप तीनों एक दूसरे के साथ किस तरीके का बॉन्ड है दोनों के बारे में एक एक अच्छी बातें बताइए देन आप आई कॉल द Indeed. मैं, Indeed. मैं इनके साथ बहुत चिल करता हूँ एंड रूही और मेरा भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है मतलब हम लोग बहुत कॉम्प्लीमेंट देना चाहें अभी आप रूही को तो क्या कॉम्पलीमेंट <laughs> yes. बाप कॉम्प्लीमेंट देना डिफिकल्ट है लाइक हाँ ah. रूही रूही का सबसे अच्छा लगता है मुझे शी इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है पसंद है नहीं है तो नहीं है आई लव दैट सो आपको बोलना इन दोनों के लिए कॉम्प्लीमेंट नहार क्या बोलूं मिमिक बहुत अच्छा करता है हंसाता रहता है दूसरों को ओ माय गॉड बहुत हंसाता है सेट में और अपन्ना जी के लिए क्या बोलूं उनसे तो मैं बहुत प्यार करती हूँ मतलब मेरा और इसका जो मेरा जो इसका केमिस्ट्री है वो ऑन uh, स्क्रीन ऐसा है कि मतलब आई डू नॉट लाइक हर बट यस जो बात बताई कि मतलब रियलिटी uh, में शी इज़ सो थोड़ा सा एक रफनेस uh, कह सकते हैं या जो बहुत स्मूथ और बहुत वैसा ना हो रिफाइंड ना हो शी इज़ नॉट रिफाइंड एंड आई लव दिस थिंग अबाउट हर एंड ये इसके इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी ही इज वेरी वेरी कंपैशनेट ही टॉक्स एंड व्हाटएवर ही सेज ही मीन्स इट सो दैट मतलब इसके अंदर की जो डेप्थ है मैं डॉग लवर हूँ थोड़ी सी तो ये ये भी वैसे रहे तो मेरे साथ इसकी वैसे भी <laughs> चल जाती है सो वेट लेट्स टॉक अबाउट द शो मेकर सर दीपक सर वी नीड यू हियर सिमरन तुम भी यस

ज़्यादा इंटरटेनमेंट मिलने वाला है बहुत ही टर्न ट्विस्ट होने वाला है अभी कुछ प्लॉटेड चेंज होंगे और बहुत मज़ा आने वाला आगे okay. चलो सर so लास्टली जानना चाहेंगे आप अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिन्होंने यहाँ तक आप लोगों का साथ निभाया है थैंक यू सो मच फैंस दर्शकों आप, आप लोगों की वजह से एग्जैक्टली exactly, हम लोग आपके बिना अधूरे हैं तो ऐसे ही देखते रहिए हमारा शो और प्यार करते रहिए पूनम जी आप भी कुछ कहिए बिल्कुल मैं यही कहना चाहूंगी कि आपने पहले एपिसोड से जो प्यार दिया और धीरे धीरे जो आप लोग का प्यार और आप लोग की जो गहनता है शो के लिए जो आप लोगों ने दिखाई लॉयल्टी है उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और अगर आपने मन सुंदर को नहीं बनाया होता तो ये मन सुंदर मन सुंदर नहीं होता थैंक यू सो मच ऐसे ही प्यार देते रहिए Keep loving. Thank you. और जैसे आपने हमारा शो इतने टाइम तक नंबर 1 पर रखा है हमेशा 8000 क्या 8 लाख एपिसोड भी हो सकते हैं तब 8 लाख और वन भी लगेगा <laughs> आपको क्या बोल रहा है 800 एपिसोड्स पूरे हो चुके हैं किस तरह की जर्नी रही आपकी ये 210 एपिसोड की जर्नी मेरी जो रही है वो बहुत ही सुंदर रही है मन सुंदर की तरह ही डे बाय डे बहुत सीखने मिल रहा है ग्रो करने मिल रहा है और टीम इतनी प्यारी है कि uh, पता ही नहीं चलता कि ये शिफ्ट ख़त्म कब होती है वो काम करने का मज़ा इतना होता है और सारे बच्चे बहुत प्यारे हैं प्लीज़ माई गॉड इट्स वेरी सरप्राइजिंग वेरी हैप्पी दैट वीफ कम्पलीटेड एट हंड्रेड इट्स वेरी सरप्राइजिंग एंड वेरी नाइस एंड आई थिंक इसका ज़्यादा जो मैं क्रेडिट देती हूँ पूरी टीम को देती हूँ बिकॉज़ uh, हम लोग तो बीच में एड ऑन होते रहे मगर जो लोग थ्रू आउट रहे हैं स्पेशली आर दादी हां अनासर सोया बिग कांग्रेचुलेशंस टू द टीम एंड सो शशांक सर जिन्होंने अभी-अभी शादी की है तुम्हें <laughs> पता <ना> है दैट्स समथिंग न्यू हमारे जो डायरेक्टर uh, है शशांक <laughs> जी उनकी शादी हो गई तो uh, ये सफर जो है कि बच्चे <laughs> ग्रो कर रहे फर्स्ट uh, सीजन के बाद हमें एक डायरेक्टर और मिला उम्मीद है ऐसे ही और अच्छे-अच्छे डायरेक्टर्स यहाँ से निकले कि सबसे थैंक यू हमारे राइटर्स को जाते yes. हैं जो इतना ड्रामा जो पेपर yes. पे लिख के yes, yes, yes. क्या part. लिखते हैं और जो लिख के हमारे पास आता है दैट इज तो वेरी इंटरेस्टिंग वेरी, वेरी, वेरी अचानक से मिसाइल आ जाता है थैंक यू सो मच दर्शकों को बहुत मजा आएगा जब उनको पता चलेगा कि इतना लाइक प्रोमो वगैरह शूट हो रहे हैं पार्टीज एंड ऑल ऑब्वियसली होंगी कुछ प्लान्स है पार्टीज के 800 yes. episode of Mansoor.